हाय फ्रेंड्स, तो सबको स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्ट्रीट बाइक, जो कि है डुकाटी का स्ट्रीट फाइटर V4। इसका और भी मॉडल आते हैं, जैसा V4S है, V4SP है, ये स्टार्टिंग मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है V4। और ये जो गाड़ी है, इसका लुक काफ़ी मस्त है। इसका जो जो ये गाड़ी बनाया है वो जोकर से इंस्पायर्ड है, जैसा कि इसका हम लोग फ्रंट लाइट देखे तो वो जोकर का ही थोड़ा याद दिलाता है। तो इसका आगे का टायर से शुरू करें तो आगे का टायर का साइज़ 120/70/17 है, और आगे हमें डबल डिस्क है ब्रेम्बो के, जो कि 330mm के है, और टायर्स ट्यूबलेस है, और इसके लाइट्स काफ़ी मस्त लुक है, जैसा कि इसका जो DRL है उससे देखते हैं हमें जो पैनगाले V4 और सुपर स्पोर्ट का याद आएगा। और यहाँ देखें तो एक छोटा सा एयर इनटेक की तरह कुछ दिया गया है, और जो इंडिकेटर्स है वो भी LED है, सब लाइट्स ही ये गाड़ी में LED है, और हेडलाइट भी LED है पूरा। और ये गाड़ी का जो साइड का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली जो पीछे का जो सिंगल साइड स्विंग आर्म है उसकी वजह से। और इसका जो इंजन है, जो पैनगाले V4 में है, वही इंजन है V4 इंजन, जो कि 1103cc का है, जिसमें कि 208 PS पावर और 123 Nm टॉर्क है। सर मतलब सेम इंजन है लेकिन ट्यूनिंग सब अलग है। और देखिए ये सिंगल साइड स्विंग आर्म देखने में क्या लुक है इसका। और जो पीछे का टायर है वो 260/17 है, और पीछे भी हमें ब्रेम्बो के ही 245mm के डिस्क ब्रेक मिलेगा, और डेफिनेटली जो ड्यूअल चैनल ABS है वो भी है। और इसका जो पेट्रोल टैंक है वो 16 लीटर्स का है, और माइलेज मत ही पूछो तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी भी सुपर बाइक्स का माइलेज नहीं देखा जाता है। और यहाँ देखें तो मास्टर सिलेंडर से, जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, और इस साइड गाड़ी स्टार्ट करने का स्विच है, और ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स पर, ये जो स्पीडोमीटर के कंट्रोल सब कुछ है इधर, इंडिकेटर सब कुछ। और इसमें हमें 6 लेवल ऑफ व्हीली कंट्रोल है, इंजन ब्रेक कंट्रोल है, मल्टीमीडिया कंट्रोल है, और स्लाइड कंट्रोल से काफ़ी सारे फुल टेक्नोलॉजी से भर दिया है इस गाड़ी में। और यहाँ देखें तो स्टीयरिंग डैम्पर है, और उसके नीचे चाबी लगाने का जगह है, यहाँ स्ट्रीट फाइटर V4 करके भी लिखा है। और ये गाड़ी का जो सैडल हाइट है वो 845mm है, अच्छा एक नॉर्मल सा हाइट है, और जो वेट है गाड़ी का वो 200 kg के आसपास है, और व्हील बेस जो है वो 1488mm है, और सीट्स हार्ड ही है, ज़्यादा सॉफ्ट कुछ नहीं है, लेकिन पिलियन का सीट तो सीट मतलब बैठने के लिए इतना कम्फर्ट तो होगा ही नहीं, देखते ही पता चलेगा। और इसका जो पीछे का जो ब्रेक लाइट है वो भी पैनगाले V4 की तरह ही है जो डिज़ाइन, और आगे के DRL से भी काफ़ी मिलता जुलता है। और एरोडायनामिक्स के लिए देखिए यहाँ एक दो होल की तरह है इसके बीच में से, और पीछे का भी इंडिकेटर्स LED है, और मोनोशॉक सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबल है, और काफ़ी अच्छा गाड़ी है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है हैदराबाद में V4 स्टैंडर्ड का, ये अप्रॉक्सीमेट 26 लाख है, अगर V4S और SP की बात करें तो इससे भी ज़्यादा ही होगा। इसका साइड का लुक स्पेशली वो सिंगल साइड स्विमिंग की वजह से काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर रहे बेल बटन भी क्लिक कीजिए, तो मैं जब वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।